नमस्कार दोस्तों, भाग्यलक्ष्मी का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा। जब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर लक्ष्मी की सपोर्ट में उतरती हुई नजर आने वाली है महिला आयोग। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी और सालू दोनों बहन अब हेल्प लेंगी महिला आयोग की, जो कि वो कहीं ना कहीं पारो के लिए हेल्प करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि नीलम जिस तरीका से लक्ष्मी के साथ में जबरदस्ती कर रही थी, अब वो जबरदस्ती किसी भी कीमत पर चल ही नहीं पाएगी। आप लोग जानते ही हैं, कहते हैं हर एक चीज़ का अंत बुरा होता है, और इस समय अंत बुरा नहीं बल्कि बहुत ही बुरा होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर नीलम को पता चलेगा कि लक्ष्मी से टकराने का अंजाम क्या होता है, क्योंकि लक्ष्मी इतनी आसानी से किसी चीज़ को छोड़ती नहीं है। लक्ष्मी ने पहले ही बोल दिया था कि जब तक हम शांत हैं तब तक हम शांत हैं, और जब हम अपनी सिप आ जाते हैं तो फिर हम ये नहीं देखते हैं कि सामने कौन है या कौन नहीं है, क्योंकि जो अंजाम हम करेंगे वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के लिए कहानी का एक और भी बेहतरीन ट्विस्ट दस्तक देगा। दोस्तों, बात की जाए कहानी की, तो कहानी में एक और भी ये सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां पर साफ साफ बोलती हुई नज़र आने वाली है मलिष्का, वो भी नीलम से। नीलम से बोलती हुई नज़र आएगी कि नीलम आंटी, कुछ तो करो इस लक्ष्मी का, क्योंकि ऐसा ना हो कि ये हमें पारों के रखने के चक्कर में जेल में चढ़वा दे। क्योंकि दोस्तों, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये एक सच्चाई है और सच्चाई छुप नहीं सकती किसी के छुपाए से। ये हकीकत है दोस्तों इस समय की। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नीलम को भी इस समय भय का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लक्ष्मी ने बहुत पहले ही चेता दिया था कि जो तुम कर रहे हो हमारे साथ में वो गलत है, इसलिए हमारी मजबूरी है अब तुम्हारे साथ में तुम्हारी औकात दिखाना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस कैसी लग रही है आप।